हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनिरुद्ध कुमार एक बार फिर से नई कहानी के साथ आपके बीच आ गया हूँ। और ये कहानी, आज की जो कहानी है वो सत्य घटना पर आधारित है। तो आइए ले चलते हैं आपको सीधे कहानी की ओर। दोस्तों, कानपुर में एक परिवार रहता था और उस परिवार में एक दंपत्ति थे जिसमें जो पिता था उसका नाम भागीरथ था और जो माँ थी उसका नाम ममता था। दोस्तों, दोनों लोग बड़े हंसी खुशी से रहते थे। उनका विवाह हुआ था लेकिन विवाह के 10 से 15 वर्ष बीत चुके थे, उनके कोई संतान नहीं थी। तो दोस्तों, उनसे पहले तो कुछ भी नहीं था लेकिन जब बहुत दिन हो गए संतान नहीं हुई तो वो लोग बड़े चिंतित हो गए। अब उनको कोई बताता कि यहाँ चले जाओ, यहाँ जाने से संतान हो जाती है तो वो वहाँ चले जाते, कोई कहता है यहाँ चले जाओ, वहाँ जाने से संतान होगी तो वो वहीं चले जाते। ऐसे कर करके वो बहुत जगह भटके लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। दोस्तों, तभी क्या हुआ कि वो जो भगीरथ था, जो जितने भी पैसे कमाता था अपनी पत्नी के इलाज में लगा देता था कि भाई कैसे भी करके बच्चे हो जाए, हम लोगों को एक बच्चा हो जाए तो हम लोगों को जो बुढ़ापा है उसमें बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, नहीं तो मैं किसके आश्रित रहूँगा। तो दोस्तों, धीरे धीरे बहुत साल बीत गए, लगभग 10 से 15 साल बीत गए लेकिन उसको बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो थक हार कर बेचारा बड़ा दुखी रहने लगा और जब दुखी रहने लगा तो उसको बीमारियों ने घेर लिया। बीमारियों ने घेर लिया तो अब वो खटिए पर लेट गया। दोस्तों, उसको टीवी नामक बीमारी हो गई, जिसे हम लोग ट्यूबर क्लोसिस कहते हैं। उसको बीमारी हो गई। अब वो बीमारी की वजह से उसका शरीर धीरे 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 कमज़ोर होता जा रहा था और अब उसकी पत्नी बड़ा चिंतित कि मेरा तो कोई सहारा भी नहीं है और इनकी भी तबीयत ख़राब है, अब क्या किया जाए। दोस्तों, वो उसकी पत्नी खेती बाड़ी से अपना पैसे पैदा करके उसका इलाज कराने लगी लेकिन उसके इलाज में बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे थे, संतान कोई थी नहीं। लेकिन वो लोग अभी भी संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, इधर उधर जब भी उनको मौका मिलता तो जाते, दिखाते, इलाज कराते। तो अचानक क्या हुआ, एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उसने जो ये देखा कि अब हमें लगता है कि हमारा अंतिम समय निकट है। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम घबराओ मत, तुम चिंता मत करो और तुम्हारा अंतिम समय अभी कहीं नहीं है, हो सकता है कि तुम अभी चलोगे और हम इलाज करा रहे हैं तुम्हारा और तुम, हमें विश्वास है कि पूरी तरीके से सही हो जाओगे। उसने कहा नहीं नहीं, अब तुम हमको पैसे खर्च मत करो, अब ये जो तुम हम छोड़ करके जाएंगे इनसे अपना जीवन यापन करना और अपना अकेला जीवन जीना और जो तुम्हारी सेवा करे उसको ये दे देना। उसकी पत्नी बहुत दुखी, बोली नहीं नहीं, आप सही हो जाओगे तो हम बहुत सारी ज़मीन खरीद लेंगे और आपके जाने से मैं इस ज़मीन का क्या करूँगी, मेरे किसी काम की नहीं। तो उसको ज़मीन बेचने के लिए मना लेती है और ज़मीन वो दोनों लोग बेच देते हैं। और दोनों लोग बेच देते हैं। दोस्तों, अचानक एक दिन उसकी पत्नी उसको बताती है कि मैं गर्भवती हो गई हूँ और ईश्वर की कृपा से हम लोगों को अब बच्चे हो जाएंगे। तो वो दोस्तों भागीरथ बड़ा खुश होता है और धीरे धीरे अब उसकी तबीयत में भी सुधार हो रहा था। उसकी तबीयत में सुधार हो रहा था, वो ये कहने लगा कि अब लगता है मैं सही हो जाऊँगी, मैं क्योंकि मेरी जो चिंता थी वो चिंता अब समाप्त हो गई है तो हो सकता है ईश्वर की कृपा से मैं सही हो जाऊँ। लेकिन दोस्तों, जैसे ही लगभग 8वां और 9वां महीना चल रहा था उस महिला का, तो वैसे ही उस भागीरथ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसके प्राण निकल गए। और उसके प्राण निकल गए तो अब उसका बेटा भी हो गया। दोस्तों, जब उसका बेटा हो गया, उस बेटे का नाम उसने सुनील रखा। अब उसकी माँ बड़ी चिंतित हो गई कि मेरे पास जो ज़मीन थी वो ज़मीन भी मैंने बेच दी, मेरे जो पति थे जिनसे उम्मीद थी वो भी संसार को छोड़ करके चले गए, अब ये बेटा है और ये बेटा अब मैं इसको कैसे पालूंगी। और उस समय उस महिला की उम्र लगभग लगभग 40 वर्ष हो चुकी थी, 35-40 के बीच में थी। तो लोगों ने उसको सुझाव दिया कि एक काम करो, तुम दूसरी शादी कर लो तो उस बच्चे का पालन पोषण भी हो जाएगा और तुम्हारा भी जीवन आराम से कट जाएगा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं अपने बच्चे को लेकर के ही जीऊँगी, अब मैं दूसरी शादी करने वाली नहीं हूँ, अगर मैं दूसरी शादी कर लूँगी हो सकता है उसका जो पिता हो पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार करे। तो दोस्तों, उसने कहा कि मैं अपने आसपास यहीं काम वाम करूँगी, होटल वोटल में और घर वरों में, तो उसी से जो पैसे आएंगे उससे मैं अपने बच्चे का पालन पोषण करूँ। दोस्तों, उसने फैसला लिया, दोस्त घरों में जा करके काम करने लगी, अपने बच्चे को धीरे धीरे पाला और धीरे धीरे बच्चा 13-14 साल का हो गया और ये समझने लगा कि मेरी माँ मेरे लिए कितनी मेहनत करती है। तो उसने एक दिन अपनी माँ को समझाया कि माँ एक काम करो, तुम्हारी उम्र हो चली है और देखो मैं आप 40 उस देखो दोस्तों, उसका लड़का 13 साल का हो गया था, जब वो गर्भवती थी तो 40 साल की थी, तो लगभग 53 वर्ष की हो गई थी। तो उसके बेटे ने कहा कि माँ आप तुम चिंता मत करो, मैं तुमको जो है खिलाऊंगा पिलाऊंगा, आप तुम आज से काम बंद कर दो। उसने कहा नहीं बेटा, अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ लिख जाओ। उसने कहा नहीं नहीं माँ, मैं तुम्हारा ये दर्द नहीं देख सकता। अब दोस्तों, 13 साल के बच्चे को कोई नौकरी देने को तैयार नहीं, क्योंकि 13 साल के बच्चे को नौकरी करवाना या करना जुर्म है। लेकिन उसने एक होटल में कहा कि साहब मुझे रख लीजिए, मेरी माँ बहुत वृद्ध है। तो वो जो जिसका होटल था वो उसके गाँव का रहने वाला था, उसने कहा कि चलो भाई तुम्हारी पीड़ा को देख करके
मैं जो है तुमको रख लेता हूँ, और तुम अपना जितना देर मन हुआ करे काम किया करो, और ना मन हुआ करे तो अपना घर चले जाया करो। कोई तुम्हारे ऊपर जोर जबरदस्ती या दबाव नहीं है, अपनी माँ की सेवा करो। कुछ पैसे मैं तुम्हें इतने दे दूँगा कि तुम्हारा भरण पोषण होता रहेगा, तुम्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम चाहो तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो दोस्तों अब गरीबी क्या ही ना करा दे, दोस्तों उस लड़के ने पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई और पढ़ाई छोड़ दी। अब वो होटल में इतने मन से काम करता कि उसका जो होटल था वो बहुत अच्छा चलने लगा। जिम्मेदार आदमी, काम करने का उसके अंदर जुनून, और उसने दोस्तों 3-4 साल में 18 साल का होते होते सारा कुछ होटल का काम सीख लिया। अब उसने कहा कि अब मैं 18 साल का हो गया हूँ, अब मुझे कोई भी जॉब पर रख लेगा। और अपनी उसकी माँ भी बड़ा खुश कि चलो मेरा बेटा तरक्की कर रहा है, काम सीख गया। तो दोस्तों अब उसके होटल के मालिक ने कहा कि देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, 18 साल के हो गए हो, अगर तुमको और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो तो मेरा एक होटल है मुंबई में, मैं तुम्हें वहाँ भेज देता हूँ। तुम ट्रेंड हो, तुम्हें सारा काम आता है, तुम वहाँ चले जाओ, तुमको हम यहाँ से डबल सैलरी देंगे और तुम आराम से काम कर सकते हो, अपना संभाल सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे 5 साल यहाँ पर देखे हैं और मुझे तुम बहुत अच्छे आदमी लगे, मैं कोई विश्वास पात्र आदमी भेजना चाहता हूँ। तो उसने कहा मेरी माँ का क्या होगा? तो उसने कहा कि देखो मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूँगा, और जो सैलरी तुमको डबल मिलेगी उस डबल सैलरी से अपनी माँ के लिए कोई आदमी रख देना, तो तुम्हारी माँ की देखभाल करता रहेगा, तुम्हारा भी काम बन जाएगा, तुम्हारी माँ का भी काम बन जाएगा। यहाँ मैं तुम्हें इतनी सैलरी नहीं दे सकता क्योंकि ये गांव कस्बा है और मुंबई शहर है, वहाँ मेरी आमदनी ज़्यादा है, तो मैं तुम्हें पैसे ज़्यादा दूंगा। तो वो आया अपने घर, उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मालिक ऐसा कह रहा। तो उसकी माँ ने कहा अरे बेटा तुम्हारी तरक्की हो रही, मुझे तो खुशी है, तुम एक काम करो मेरी चिंता छोड़ो, मैं अभी इतनी सक्षम हूँ कि मैं अपना काम आम खुद कर सकती हूँ, तुम जाओ वहाँ पर अपना जो है काम करो जा करके। तो उसने कहा कि माँ एक काम करते हैं कि फिर आप मेरी शादी करा दो तो मैं बहू को आपके पास छोड़ दूंगा, तो मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसकी माँ ने कहा कि ठीक है मैं कोई लड़की देखती हूँ। उसकी माँ ने एक लड़की देखी, उस लड़के को ले गई कि देख लो जा करके, चल करके तुम भी, अगर तुमको पसंद हो तो शादी कर लो। तो वो अपनी लड़के को लेकर के गई, उसने लड़की को देखा और पूछा कि मेरी माँ तुम्हारी माँ क्या है? तो उसने कहा मेरी माँ आपकी माँ भी मेरी माँ है। उसको जवाब अच्छा लगा, उसने कहा कि मेरी माँ अकेली है और इसने मेरे साथ बहुत एहसान किया है, इसका बहुत कर्ज मेरे ऊपर है और तुम इसकी देखभाल करना, बस यही मैं तुमसे चाहता हूँ, बाकी मुझे तुमसे कोई अपेक्षा नहीं है। उसने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं आपकी माँ की अच्छी देखभाल करूँगी, आपकी माँ को कभी कोई दिक्कत नहीं होने दूँगी। तो उसकी माँ ने कहा बेटा शादी कर लेते हैं। तो उसने कहा कि माँ अभी हमारे पास पैसे हैं नहीं और शादी में चाहिए हमको पैसा, तो मैं 6 महीने काम कराता हूँ फिर आके शादी कर लूँगा। उसकी माँ ने कहा हाँ बेटा तुम चले जाओ, 6 महीने काम कराओ, आना फिर तुम्हारी शादी करा देंगे। दोस्तों 6 महीने बाद वो आया, और 6 महीने बाद आकर के उसकी बड़ी धूमधाम से शादी हुई, और शादी होने के बाद वो अपनी पत्नी को छोड़ करके फिर चला गया अपने मुंबई होटल पर। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अब बताओ तुम कब आओगे? तो उसने कहा कि देखो दूर का आना जाना है, मैं 6 महीने में आ पाऊँगा। तो उस थोड़ा मायूस हो गई, कहा ठीक है अच्छा तो चलो जाओ। अब वो दोस्तों अपनी माँ की जो बहू आई थी बहुत अच्छी थी, उसकी माँ की अपनी सेवा करती थी, माँ का ख्याल रखती थी। आसपास के जो लोग आते थे उसको उसकी माँ के संघर्ष की कहानी सुनाते थे कि तुम्हारी माँ बेचारी अकेली हो गई थी, उसने अपने लड़के को लेकर के पूरा जीवन काटा। तो उसके जो पत्नी थी उसको अपनी माँ से बड़ा वो हो गया कि यार इसने कितना संघर्ष किया, एक लड़के के लिए इसने घरों में काम करना पसंद किया। तो धीरे धीरे उसका प्रेम हो गया, इसने कहा कि माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं आपका बेटा ही हूँ, आप मुझे ऐसा ही समझिए, मैं आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने दूँगी, आपके बेटा नहीं है, मैं उसकी कमी आपको महसूस नहीं होने दूँगी। दोस्तों उसने कहा कि चलो मेरी बहू तो कम से कम अच्छी आ गई, मैंने जो संघर्ष किया उस संघर्ष का आज मुझे फल मिल रहा है, और यही फल है कि मैं अगर वृद्धावस्था में परेशान होती तो मैं कहाँ जाती। तो दोस्तों इसके बाद वो आता, अब 6 महीने बाद वो फिर आया वापस अपने घर। तो उसने कहा कि एक काम करो, अब हम लोग माँ को भी ले चलते हैं और सब लोग चलते हैं, वहीं रहेंगे मुंबई में, बढ़िया मेरी जॉब है, सैलरी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसने कहा ठीक है। तो उसकी पत्नी भी खुश हो गई कि यार जी तुमने बहुत अच्छा काम सोचा। तो कहा आओ माँ से पूछ लेते, माँ से पूछने गए, बोले माँ तुम भी मेरे साथ चलो, ये भी मेरे साथ चले, दोनों लोग वहीं पर रहेंगे, बढ़िया कमाएंगे खाएंगे। उसकी माँ ने कहा बेटा मैं अब जीवन भर इस गाँव में रही हूँ, अगर मैं इस गांव को छोड़ करके जाऊंगी तो मेरा प्राण निकल जाएंगे, मैं ज़्यादा नहीं चल पाऊँगी, मुझे तुम्हें यहीं रहने, तो तुम्हें जाना हो तो तुम चले जाओ। तो दोस्तों वो मायूस हो गई पत्नी, कहा चलो नहीं आप जाना चाहती, आपका कोई मन नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी आपको छोड़ करके, आप रहिए यहाँ पर। और दोस्तों धीरे धीरे उसके 2 बच्चे हो गए, 2 बच्चे बड़े हो गए, लेकिन वो अपना गाँव में रहती, उसका पति 6 महीने में आता, 10-15 दिन छुट्टी लेता, पत्नी के साथ बिताता, इस तरीके से हंसी खुशी जीवन चल रहा था। ऐसा करते करते लगभग 7-8 साल बीत गए।
और 7-8 साल बीतने के बाद अब उसको भी थोड़ा दिक्कत दिक्कत हो रही थी वहाँ पर अकेले जीवन जीना। तो आया आपकी बार घर, उसने कहा कि एक काम करो कि माँ जी से पूछो चले चले, नहीं चले तो एक काम करो हम तुम चलते हैं, बच्चे ले चलो, माँ को वृद्धाश्रम में भेज दो। अब माँ की उम्र वैसे भी 70 के करीब हो गई है और अब इनका थोड़ा ही समय बचा, तो अपना वृद्धाश्रम में ये काट लेंगी और हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों जैसे ही उसने कहा तो उसकी जो पत्नी थी वो उसने उसको बड़े हड़काते हुए पूछा कि क्या कहा तुमने, उसने कहा हाँ मैंने सही कहा। इसके बाद दोस्तों उसकी पत्नी ने उसको समझाया कि काश तुम्हारी माँ उस समय जब तुम पैदा हुए थे दूसरी शादी कर लेती और वो तुम्हारे विषय में ना सोचती, कहती अरे मेरा जीवन, मुझे अपना जीवन चाहिए, ये अपना जो भी करे करे, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए सोचा, तुम्हारी माँ ने कहाँ कहाँ काम किया, तुम्हें कितना उसने काबिल बनाया, और आज जब तुम बड़े हो गए हो और तुम हमारे लिए अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए तैयार हो, अरे इनका जब मैं इतने साल काट लिए तो थोड़ा इनका जीवन बचा है, थोड़ा और काट लेने दो, इसके बाद फिर हम लोग रहेंगे आराम से। तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया तो आया कैसे, तुम्हारे क्या यही संस्कार दिए थे तुम्हारी माँ ने। तो दोस्तों जब उसकी पत्नी ने उसे ऐसा समझाया तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने कहा कि अरे मैं तो, अगर तुम ना तो मुझे समझाती तो मैं आज बहुत बड़ी भूल करने जा रहा था, और मुझसे ये बड़ी भूल हो जाती तो मैं जीवन भर अपने आप को कभी माफ़ ना कर पाता। तो दोस्तों इसके बाद वो फिर से अपने मुंबई चला गया, और मुंबई जाने के बाद उसने अपने मालिक से कहा कि मालिक अब मेरा जो है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, और अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको देखरेख भी करनी पड़ती है, उनका थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है, उनकी जो माँ है वो उस तरीके से ध्यान नहीं रख पाती है, पति मैं उनका पिता हूँ तो पिता के नाते मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो अब आप एक काम करिए मुझे अपने गांव वाले होटल में ही भेज दीजिए और मैं थोड़ा कम कमा लूँगा लेकिन मैं अपने घर पर रहना चाहता हूँ। तो उसके मालिक ने कहा कि ठीक है तुम गांव वाले होटल में जा कर के रह सकते हो और मैं तुम्हारी सैलरी ज़्यादा कम नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा तो अपने घर में रह सकते हो। दोस्तों फिर से वो अपने वहाँ गाँव वाले होटल में आ कर के रहने लगा। अब उसके परिवार में 2 बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, उसकी माँ है, और बढ़िया उन लोगों का जीवन यापन हो रहा है। तो किस तरीके से जो उसकी पत्नी थी उसके समझाने पर जो उसका पति था वो बहुत बड़े जो अपराध करने जा रहा था उस अपराध से बच सका। तो दोस्तों इसी आशा के उम्मीद के साथ मैंने आपको ये कहानी सुनाई, काश ऐसी बहू सबके घर में हो तो हम अपनी बेटियों को ये संस्कार दें कि वो जा कर के वहाँ पर इस तरीके का एडजस्टमेंट करें। अगर कोई भी व्यक्ति गलत राय पर जाता है तो उसको सिखाएं, अगर बेटी अच्छी होगी तो बेटी 2 परिवारों को संभालती है तो दोनों परिवार खुशहाल रहेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ लेता हूँ आपसे विदा, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।